बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहु। सुल्तानी पॉइंट के साथ ज़करिया सुल्तानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज यानी के उकाते नमाज़ो सहर उफ्तार, यानी के आज नमाज का वक़्त कब कब स्टार्ट हो रहा है? आज माशाल्लाह मंगल यानी के 11 मई 2021 है और इस्लामी तारीख महीना जो है आपको पता है इस महीने का मुबारक महीना है। आज 28 रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी देसी तारीख महीना जो है वो 28 बैसाख है और 2078 बकरम चल रहा है। माशाल्लाह आज 28 बैसाख देसी महीना और इस्लामी महीना इकट्ठे हैं तो बबरकत महीना है, इसलिए उसने हमारे देसी महीने को बैसाख को भी साथ लेकर चला। तो इस मीठे मीठे इस्लामी भाई, जो आज जो नमाज का वक़्त है, नमाज जो हजूर सलातुल्लाह की आंखों की ठंडक है, नमाज जो दीन का सतून है, जन्नत की कुंजी है, मोमन की मराज है, तो 28 रमज़ान मुबारक सिर्फ दो दिन रह गए हैं। ये इस रमज़ान में चूँकि डबल सवाब मिलता है, तो आज जो 28 बैसाख 28 रमज़ान मुबारक 11 मई को जो है ये वक्त पर नमाज अदा करिएगा। तो वक्त पर कब नमाजों का टाइम स्टार्ट हुआ? जो आज 11 मई 2021 को ख़त्मे सहरी यानी जो फजर का वक़्त जो हो स्टार्ट हो रहा है, सहरी का ख़त्म जो वक़्त ख़त्म हो रहा है 3:38 और 10 सेकंड पे ये टाइम फजर का स्टार्ट हो रहा है, सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। जो तलू उफ्ताद है, जो सूरज जब निकल रहा है, जो वो सूरज निकल रहा है जी 5:08 और 25 सेकंड पे। जहो कुबरिया यानी जो जवाल का वक़्त है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वो 11:13 पे यानी कि जवाल का वक़्त होगा। उस वक़्त थोड़ा सा 20 मिनट का आपने नहीं पढ़ी नमाज, जब ये 5:08 हो जाते तो फजर की नमाज नहीं जब सूरज निकल रहा होता पढ़नी होती, तो 20 मिनट आपने रुक जाना है, इंतज़ार करना है 6:30 तक, तो फिर नमाज पढ़िएगा। कुछ नफल वगैरह सजदा नहीं होता, तो जहर कुबरिया के वक़्त भी सजदा नहीं करते होते, गुनाह होता है। तो जहर का जो वक़्त है वो 11:58 पे स्टार्ट हो जाता है, तो 38 सेकंड पे। तो ये वक़्त पर अदा करना, यानी कि इस वक़्त हम नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट नमाज पढ़ना ये इससे भी कार्य सवाब है। तो असर का जो वक़्त है वो 4:48 और 40 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है, जबकि इफ्तार मगरब का टाइम, इफ्तारी का जो टाइम आज 11 मई 2021 को 28 रमज़ान 28 बैसाख को 6:49 भी होगा और 10 सेकंड भी होगा। तो ईशा का जो वक़्त है तो 8:19 और 42 सेकंड पे स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान ज़करिया सुल्तानी को। अगर आप हमारे चैनल सुल्तानी पॉइंट पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। खुदा हाफिज़।